ये भाकमूत के विध्वंस की लाइव तस्वीरें हैं। रूस ने भाकमूत में रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त स्ट्राइक की है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे एक किलकारियों भरा शहर वीरान हो गया, खंडर में तब्दील हो गया। इस शहर पर कब्जे के लिए रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन की फौज ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए कैसे इमारतें, घर, बाजार, अस्पताल सब एक खंडर में तब्दील हो गए। यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी सैनिक जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में पूरा इलाका दहल उठा है। ये फुटेज यूक्रेनी सेना ने जारी की। गाड़ी में बैठे दो यूक्रेनी सैनिक आपस में बात कर रहे हैं। एक सैनिक पूछता है, गाड़ी के शीशे पे ये क्या चीज टकराई है? साथ बैठा सैनिक कहता है, माइन, एक माइन कार की छत से टकराई थी, ये उसी के टुकड़े हैं। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठा सैनिक कहता है, इस वक्त यूक्रेन की बॉर्डर सर्विस फोर्स सबसे खतरनाक इलाके में जंग लड़ रही है। अगर मैं कहूँ ये पृथ्वी का हॉटेस्ट पॉइंट है तो गलत नहीं होगा। दूसरा सैनिक साथ बैठे सैनिक को दिखाता है, ये देखो भाकमूत सिटी सेंटर, क्या हाल हो गया इसका। यहाँ पर इस वक्त ड्राइव करना भी बेहद खतरनाक है, किसी भी वक्त कोई शेल हम पर आके गिर सकती है। देखो ये घर कैसे बर्बाद हो गए हैं। सोलिडार के बाद रूस अब भाकमूत में जीतने पर आमादा है। खबर है कि रूस ने भाकमूत की आखिरी जंग शुरू कर दी है। उसने आपस के रास्तों और छोटे शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी फौज की सप्लाई लाइन कट गई है। रेड आर्मी को इस काम में रूसी एयरफोर्स भी मदद कर रही है। रूसी फाइटर जेट ने भाकमूत के आसमान में यूक्रेनी सेना पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं।